वेलकम गाइज, जे के लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। एंट्रेंस एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो ज़्यादातर इसमें बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, ठीक है, जिनके सिलेबस में बॉटनी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स केमिस्ट्री के जो वीडियोज है आप नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना चैनल पर जाके, रोजाना वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे चांसेस है कि क्वेश्चन इस प्रकार के आपके बनेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करते हैं बॉटनी का पहला क्वेश्चन, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो बिना पलीदार पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन यौगीकरण ग्रंथियाँ उत्पन्न करता है। नेम द माइक्रोब विच प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नूडल इन द रूट ऑफ नॉन लिगुमेंट्स प्लांट। ऑप्शन फर्स्ट है एनाबाइना, एनाबीना बोल सकते हो आप, नॉन स्टॉक, राइजोबियम, फ्रेकिया, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बताइए। इलेवंथ की बायोलॉजी पढ़ ली आपने, ट्वेल्थ की बायोलॉजी पढ़ ली, अब तो बताओ। और क्वेश्चन आपके जूलॉजी से भी आता है, बॉटनी से भी आता है। सो डिस्कस कीजिए। और हम हमेशा आपसे बोलते हैं कि आपको तो ये मान के चलना है कि आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, 100% यही मान के चलना है आपको इस वक्त, और उसी प्रकार से आपको उसी ईमानदारी से यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। कर लिया, लेट मी चेक किसका राइट ऑप्शन है, फ्रेकिया। तो फ्रेकिया सूक्ष्म जीवे जो बिना फलीदार पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन यौगीकरण ग्रंथियाँ उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है जिसको आपको पता होगा कि मटर की जड़ों में क्या होता है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, उसका भी ध्यान रखना थोड़ा सा। उस प्रयोग का नाम बताइए जिसका उपयोग ऐसे उत्कों को पहचानने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा फ्लोएम के माध्यम से भोजन सुक्रोज विलयन के रूप में पहुँचता है। उस प्रयोग का नाम बताइए जिसका उपयोग ऐसे उत्कों को पहचानने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा फ्लोएम के माध्यम से भोजन सुक्रोज विलयन के रूप में पहुँचता है। जीवद्रव्य कुंचन, कमरबंद तावादन, आलू प्रासरण विमापी प्रासरण। इसका राइट ऑप्शन है ग्रेडिलिंग, ठीक है, कमरबंदता। बॉटनी सेक्शन बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। और तो जीवी परजीव का नाम बताइए जिनका शरीर कशेमान टहनियों और पत्तियों के साथ चलता है और वे एक समुच्चय बनाते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों के दौरान विकसित हो जाते हैं और कई फुट में फैल जाते हैं। क्राइसोफाइट, अवफंग, फफूंदी, डायनोफ्लेजिलेट, यूलिना। क्वेश्चन को समझ लो पहले, सोच समझ के बताना है। अगर आप देखो टाइम तो आपको वैसे भी कम ही मिलेगा एग्जाम में, थोड़ा सा आपके माइंड को थोड़ा सा एक्टिव करो, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा पर्सन करने की वो रखो टेंडेंसी। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका अपंग फफूंदी, याद रखना इसको, अपंग फफूंदी। नेक्स्ट, एक पशु हस्त्रों से निकाले गए इंसुलिन का उपयोग न करने के लिए एक कारण दे। गिव ए रीजन फॉर नॉट यूजिंग द इंसुलिन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन एनिमल सोर्स। एक पशु हस्त्रों से निकाले गए इंसुलिन का उपयोग न करने के लिए एक कारण दे। उपयोग सभी सिर्फ इंसुलिन फ्रॉम हार्मोन के रूप में उत्पादित होता है, सिर्फ सी पेप्टाइड परिपक्व और कार्यात्मक हार्मोन उपस्थित नहीं होता है। सिर्फ कुछ मरीजों में विदेशी प्रोटीन के लिए एलर्जी अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया विकसित हो रही थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन, किस परितंत्र में पिरामिड उद्दक नहीं होता है। इन विच इकोसिस्टम द पिरामिड इज नॉट अपराइट। ऊर्जा के पिरामिड, एक जलीय परितंत्र में जैव मात्रा की पिरामिड, जैव मात्रा की पिरामिड, या फिर घास स्थल में पिरामिड से। तो क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला पता है ना, खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन आता है, ये फूड चेन से। जी बिल्कुल, फूड चेन से क्वेश्चन आता है। और याद रखना कि उत्पाद प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी, ठीक है ना, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप, क्वेश्चन बनता है वहाँ से कंफ्यूज करा जाता है आपको काफ़ी बार, बट आप कंफ्यूज होने वाले नहीं हो क्योंकि आपको
नॉलेज है बॉटनी की बायोलॉजी में। तो यहाँ पर भी अपना अपना ऑप्शन है सिलेक्ट कर लिया होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, एक जलीय परितंत्र में जैव मात्रा के पिरामिड, एक जलीय परितंत्र में जैव मात्रा के पिरामिड, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम संकरण में बैंकिंग तकनीक इसलिए की जाती है, इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन द बैंकिंग टेक्निक इज डन टू, क्यों की जाती है गाइस? इससे झिल्ली द्वारा खाने से बचाने के लिए, फूल को सूखने से बचाने के लिए, क्लम छिद्र का अवांछित पराग के साथ संदूषित को रोकने के लिए, बी सेट को आश्वस्त करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लिया होगा सिलेक्ट आपने, टाइम दिया जाता है आपको, कर लिया करो बिना कहे, क्योंकि आपको सिलेक्ट करना है पहले, उसका बाद आंसर हम बताएंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है गाइस। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्लोम छिद्र का अवांछित पराग के साथ संदूषित को रोकने के लिए, क्लोम छिद्र का अवांछित पराग के साथ संदूषित को रोकने के लिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। कैम पौधे में अधिक अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के दौरान निर्मित हुआ प्रथम अस्थायी कार्बनिक यौगिक है, PEP, पायरुविकमल, RUBC या फिर ऑक्सीएसिटिक अम्ल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑक्सीलोएसिटिक अम्ल। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, ईमानदार से बताना, DNA इसके कारण RNA से अधिक स्थायी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, DNA इज मोर स्टेबल देन RNA बिकॉज, ऑल ऑफ दी अबाव, दी कुंडलिन संरचना के कारण, यूरासिल के स्थान पर थायमिन की उपस्थिति के कारण, RNA में हर न्यूक्लियोटाइड पर उपस्थित 2HO समूह, बताइए DNA इसके कारण RNA से अधिक स्थायी क्यों है गाइस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, यूरासिल के स्थान पर थायमिन की उपस्थिति। जी हाँ बिल्कुल, यूरासिल के स्थान पर थायमिन की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन, रिवेट पॉपर परिकल्पना के मुताबिक स्पीसीज जो मुख्य प्राकृतिक फलन चाहते हुए है, अपरियाय स्पीसीज, मुख्य स्पीसीज, स्टॉम स्पीसीज या फिर अन्य देशी स्पीसीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, मुख्य स्पीसीज। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पौधे में जल की गति के मार्ग को पहचानिए, आइडेंटिफाई द पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट फ्रॉम द फ्लोइंग, अंतःश्वसन और विसरण, वाष्पोत्सर्जन, बिंदुस्राव, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन, एलोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट यानी कि अवलवक और सलवक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, जल की गति के मार्ग को आपको पहचानना है, पढ़ा होगा ना आपने थोड़ा बहुत तो टिश्यू प्लांट के बारे में। कर लिया होगा सिलेक्ट, इसका राइट ऑप्शन है अवलवक और संगलन, ऑप्शन 4 हो जाएगा। बॉटनी से क्वेश्चन बनते हैं आपके, उससे पहले प्रैक्टिस कर लो या एंट्रेंस एग्जाम से पहले तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। प्रतिबंधन एंजाइम पॉलीड्रोम साइट के केंद्र में थोड़ी दूर DNA के संपलन को काटता है, यह चोरों पर एक अवध भागों को छोड़ देता है, प्रत्येक संपल पर प्रलंबी संपलन। देखो ये कुछ समझ में नहीं आता ना हिंदी में, तो इंग्लिश का यूज किया करो, ऊपर देख लिया करो। ऐसा ही हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या है, ये शब्द समझ में नहीं आ रहे, तो इंग्लिश का यूज कर लिया करो क्योंकि इंग्लिश सही लिखी होती है। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA ए लिटिल वे फ्रॉम द सेंटर पॉलीड्रोन साइड, दिस लीव द सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन एट द एंड, देयर आर ओवर हैंडिंग स्ट्रैंड ऑफ द स्ट्रैंड कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है प्राइमर्स, UTR,
टेम्पलेट, स्टिकी एंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टिकी एंड। अगला क्वेश्चन, कुछ पौधे उन्मिल प्राकणी और अनुमिल प्राकणी जैसे दो प्रकार के फूल उत्पादित करते हैं, निम्न उदाहरण में से ऐसे पौधे चुनिए, कोमलाइन, एराकिस, ऑक्जेसिस या फिर कोमलाइन, वायोला, सोलेनम, ओपेगुस्बी। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑक्जेलिस कोमलाइन, ऑक्जेलिस कोमलाइन। अगला क्वेश्चन, बेसिलस थुरिंजियस सेप्टिक प्रोटीन बनाता है जिनमें आवीजे कीटनाशी प्रोटीन उपस्थित होता है, यह आवीज बेसिलस को क्यों नहीं मारता है, यह जीवाणु को नहीं मार सकता क्योंकि यह अतिविष उत्पादित करता है, उसमें से कोई नहीं, आवीज निष्क्रिय रूप में मौजूद होता है, जीवाणु आवीज से प्रतिरक्षित होते हैं। पढ़ा हुआ है आपने बेसिलस थुरिंजियस, जिसका यूज देखा होगा ना कपास वगैरह में, बीटी कपास बनी हुई है, याद आ गया होगा तो बताओ आंसर। यह जीवाणु नहीं मार सकता क्योंकि यह अतिविष उत्पादित करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अविष निष्क्रिय रूप में मौजूद होता है, जो टॉक्सिक होता है एसिड इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो, इसलिए नहीं हो पाता, ठीक है ना, इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म पोषकों के विषाक्त स्तर अन्य तत्वों की कमी द्वारा पता लगाए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट कैन बी फाउंड आउट बाय डेफिशिएंसी ऑफ अनदर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अतिरिक्त मैग्नीज, लोह, कैल्शियम और बोरोन की कमी द्वारा पता लगाई जा सकती है, अतिरिक्त मैग्नीज, लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी द्वारा पता लगाया जा सकता है, अतिरिक्त मैग्नीज, लोहा, ताम्र और जस्ता की कमी के द्वारा पता लगाया जा सकती है, अतिरिक्त मैग्नीज, लोहा, बोरोन और जस्ता की कमी द्वारा पता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। सूक्ष्म पोषकों के विषाक्तता स्तर अन्य तत्वों की कमी द्वारा पता लगाया जा सकते, उदाहरण है आई थिंक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका अतिरिक्त मैग्नीज, लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी द्वारा पता लगाया जा सकता है, अतिरिक्त मैग्नीज, लोहा, मैग्नीज और कैल्शियम की कमी द्वारा पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, फल जो निषेचन के बाद केवल अंडाशय से विकसित होते हैं कहलाता है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है चाहे आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, प्लांट का रिप्रोडक्शन हो गया, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है फ्रूट विच डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड, फल जो निषेचन के बाद केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, एपोमेक्टिक फ्रूट, ट्री फ्रूट या फिर पार्थोकार्पिक फ्रूट या फिर फाल्स फ्रूट। पढ़ा हुआ है आपने सब कुछ, ये टर्म तो पता है ना आपको, पार्थोजेनिक क्या होता है, फाल्स फ्रूट क्या होते हैं, ऑटोमेटिक फ्रूट क्या होते हैं, है ना। सो लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू फ्रूट, ठीक है, यानी कि सच्चे फल। अगला क्वेश्चन है, दलदल क्षेत्रों में उगने वाले राइजोफोरा जैसे कुछ पौधों में बहुत सी जड़ें जमीन से बाहर आते और उद्ग्रता से ऊपर की ओर बढ़ते, जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायता करते, ऐसी जड़ों को कहा जाता है श्वसन चूल, प्रॉप जड़े, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर अवस्था मूल। इसका राइट ऑप्शन है श्वसन मूल, श्वसन सूल, ठीक है, मूल नहीं श्वसन सूल। अगला क्वेश्चन, दो एमाइड उल्लेखित कीजिए जो उन पौधों में पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संरचनात्मक भाग बनाते हैं, मेंशन टू एमाइड दैट आर द फाउंड प्लांट विच फॉर्म स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द प्रोटीन। दो एमाइड उल्लेखित कीजिए जो उन पौधों में पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संरचनात्मक भाग बनाते हैं, पायरुवेट, ग्लूटामेट, एस्पराजिन,
और ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल, कीटोग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टेट। और हमने आपसे बोल रखा है कि पेन और कॉपी साथ में रखो, लिखो उसमें पहले सारे नंबरिंग और अपने जो विचार आते हैं उनके सामने लगाओ टिक कि हाँ इसका ऑप्शन बी होगा सी होगा, और फिर हम जो राइट ऑप्शन बताते हैं उसको एक तरफ लिखो, फिर मैच कराना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। इसी से आपका टेस्ट होगा, एनालिसिस होगा, और इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी एंट्रेंस एग्जाम से पहले। सो कर लिया आपने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा। अब हमारा ऑप्शन है एस्पेराजिन और ग्लूटामाइन, एस्पेराजिन और ग्लूटामाइन। अगला क्वेश्चन, यदि एक फल में 20 बीज है तो अंडाशय में अंडों की संख्या और आवृतबीजी फूलों में पुष्प युग्म की संख्या होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो 20 मेलगेमेट एंड 10 एग, 20 मेलगेमेट एंड गेमेट्स एंड 10, पिछले में 10 था इसमें 20 हो गया, अब इधर 10 मेलगेमेट एंड 10 एग हो गए और 10 मेलगेमेट एंड 20 एग हो गए, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। यदि एक फल में 20 बीज है तो अंडाशय में अंडों की संख्या और आवर्त बीजी फूलों में पुष्पों की संख्या होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईमानदार से कर दो इस सवाल को, आपने पढ़ रखा है रिप्रोडक्शन प्लांट का, ईमानदार से करो इसको। और क्वेश्चन हम देखो सारे दे रहे हैं, इजी वाले भी, इजी तो हम आपको पता है कहाँ दे रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन हम आपको जीके एमसीक्यू एमके चैनल पर दे रहे हैं और इसका लिंक नीचे दे रखा है, यहाँ पर हम बेसिक क्वेश्चन देते और हार्ड क्वेश्चन यहाँ देते जेके लोन जॉब चैनल पर, सारी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 मेल गेमेट एंड 10 एग, 20 मेल गेमेट एंड 10 एग, 20 मेल गेमेट एंड 20 एग, यानी कि 20 ही मेल गेमेट आएंगे और 20 एग आएंगे, ऑप्शन बी। ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, आंसर पा सकते हो फिर आप। कौन सी तकनीक यह सिद्ध करने के लिए उपयोग की जाती है कि हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन जल से आती है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से? स्पेक्ट्रोमेट्री, विकिरण चित्रण, रेडियोग्राफी, स्पेक्ट्रोमेट्री, रेडियो कार्बन या फिर विकिरण समस्थानिक तकनीक। हिंदी में वर्ड कुछ डिफिकल्ट लगे समझ नहीं आए तो इंग्लिश का सारा तुरंत ले लिया करो, क्योंकि इंग्लिश में तो सारा सारा सही दिया रखा है यहाँ पे। आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकिरण समस्थानिक तकनीक, विकिरण समस्थानिक तकनीक। अगला क्वेश्चन, कौन सी वर्गीकरण विभिन्न जीवों के बीच विकास से संबंध पर आधारित है और मानते हैं कि उस वर्ग से संबंधित जीव का सामान्य पूर्वज होता है? संख्यात्मक वर्गीकरण, रस्व वर्गीकरण, कोशिका वर्गीकरण, जातिवर्ती वर्गीकरण प्रणाली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जातिवर्ती वर्गीकरण प्रणाली, जातिवर्ती वर्गीकरण प्रणाली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से द्वितीयक चापचे पौधे द्वारा उत्पादित होते और मेजबान में टॉक्सिक की तरह कार्य करते हैं? विच ऑफ द फ्लोविंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर प्रोड्यूस बाय प्लांट एंड एक्ट ऑफ द टॉक्सिक इन होस्ट? मोनोट्रोपिन, डाइट्रोपिन, मॉर्फिन, कोडिन, ऑर्बिन, राइसिन, विनप्लाटिन या फिर क्रक्यूमिन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए गाइज, और कोई भी दिक्कत हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे बोल दिया करो आप, फेसबुक इंस्टाग्राम के तो हर सवाल का जवाब हम देंगे देर से ही, बट देंगे आपके हर सवाल का जवाब, जिन्होंने फॉलो कर रखा होगा उनको तो पता होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ सेलेक्ट कर लिया आपने अपना क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से द्वितीयक जो चापचवे हैं पौधे द्वारा उत्पादित होते और जो मेजबान में टॉक्सिक की तरह काम करते हैं, तो वो है गाइज आपका ऑर्बिन और राइसिन। क्या है? ऑर्बिन और राइसिन। क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, देखो निम्न में से कौन से एक गुणसूत्रीय अवस्था नहीं है? विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? डाउन सिंड्रोम, फेलिन मेह, टर्नल सिंड्रोम, क्लाइपेटर सिंड्रोम। एक सूत्रीय अवस्था नहीं है,
तो इसका राइट देखो, डाउन सिंड्रोम के बारे में पूरी नॉलेज होना जरूरी है आपको। डाउन सिंड्रोम से क्वेश्चन बनता है, क्लाइफेक्टर सिंड्रोम से भी बनता है, टर्नर सिंड्रोम से भी बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके जेनेटिकल डिसऑर्डर। देख लेना एक बार इनको। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिनाइल कीटोनूरिया। ये हिंदी में थोड़ा सा फिनाइल कीटोन ऐसे कुछ लिखा है, लेकिन इंग्लिश में फिनाइल कीटोनूरिया इसको सही, ठीक है। पढ़ा हुआ है फिनाइल कीटोनूरिया क्या होता है, किस प्रकार से होता है, लक्षण क्या है, क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा इसे यहाँ से। तो डाउन सिंड्रोम से पूछा जा सकता है, फिर फिनाइल कीटोनूरिया से, या फिर टर्नर सिंड्रोम से, या फिर क्लाइफेक्टर सिंड्रोम से। जानते हो ना इन सबको? नहीं जानते हो तो कमेंट करके बता देना, पूरे को इतना अच्छे से समझाएंगे हम कि आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। वैसे बेसिकली इंटेलिजेंट हो आता होगा, नहीं आता तो फिर भी कमेंट कर देना, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक अनुक्रमण के लिए उत्तरदायी नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्जाम्पल फॉर द सेकेंडरी सक्सेशन? जले या कटे हुए जंगल, भूमि जो जलमग्न है, नवनिर्मित जलाशय, पर्वतीय फार्म भूमि। और हमने आपसे पहले बोल रखा है कि देखो YouTube से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। जी हाँ बिल्कुल, इसमें आलस तो बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि हम आपके साथ होते हैं और आपको सारा एक्सप्लेन करते हैं इसमें। जब किताब से पढ़ते हैं ना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किताब से पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता गाइस, आलस टाइप के आते हैं किताब से पढ़ते हैं तो। बट अगर कोई हमें वीडियो थ्रू पढ़ाते हैं तो अलग ही मज़ा आता है कि दिन भर पढ़ते रहे, है कि नहीं? तो हम भी उतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, दो दो तीन तीन चैनलों पर आपको तैयारी करवा रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और क्वेश्चन तो यही आएंगे देखो, 11th और 12th के, जो हम आपको बना बना के प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सो कर लिया होगा आपने भी, इसका राइट ऑप्शन चूज। और एक ट्रिक अभी हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में, जो आपको करनी है अगर सिलेक्शन ही पाना है तो। इसका राइट ऑप्शन है नवनिर्मित जलाशय, नवनिर्मित जलाशय। देखो सिलेक्शन पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको क्या करना है अभी हम आपको बताएंगे। निम्न में से कौन से एक रासायनिक रूपांतर करा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए केमिकली मॉडिफाइड शुगर? काइटिन, सेलुलोज, इंसुलिन, ग्लूकोसामाइन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका ग्लूकोसामाइन, ठीक है, ग्लूकोसामाइन। अगला क्वेश्चन, पौधों में दो तत्व अपपचय अभिक्रिया में शामिल कुछ एंजाइमों से संबंधित है, उत्क्रमित रूप से ऑक्सीकृत किए जा सकते हैं, वे है कॉपर और लोहा, मैंगनीज और मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ताम्र, जस्ता और बोरोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वैसे किया होगा आपने इसको, कोशिश की होगी आपने राइट ऑप्शन देने की। पौधों में दो तत्व अपपचय अभिक्रिया में शामिल कुछ एंजाइमों से संबंधित है और उत्क्रमित रूप से ऑक्सीकृत किए जाते हुए है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉपर और लोहा, ठीक है ना, कॉपर और लोहा। और वो टेक्निक जो हमने बताई थी कि आपको सिलेक्शन ही पाना है तो आपको क्या करना होगा, देखो कोई भी नोटिफिकेशन अगर आप तक नहीं पहुंच पाता है हमारे जेकलोन जॉब चैनल का किसी टेक्निकल इश्यू के कारण, तो आपको नीचे लोगो दिख रहा होगा, लोगो दिख रहा है ना, तो जेकलोन जॉब लिखा हुआ है और लोगो दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जो वीडियो देख रहे हो इस प्रकार का लोगो आपको दिख रहा होगा नीचे, या फिर आप सर्च करके भी यूट्यूब इसको पा सकते हो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखो सिलेक्शन पाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद ये आ रहा होगा, यहाँ पर हमारा पिक्चर है, ये कुछ मेडिकल कॉलेज है। इसके बाद आपको वीडियो के सेक्शन पर क्लिक कर देना है, इस वाले पे सिलेक्शन पाने के लिए थोड़ा। अब ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपने देखो कोई भी वीडियो मिस किया हुआ हो सकता है, आप तक नोटिफिकेशन नहीं गया हो। ये देखो इसमें भी आपने कब सारा मिस कर रखा है, यहाँ पर 2.k व्यू है, जबकि यहाँ 1.7, यानी कि इस वीडियो को भी आप बहुत सारा नहीं देखा है, जबकि इंपॉर्टेंट बहुत सारी बातें इसमें हमने बताई है। तो ऐसी गलती आप क्यों करते हो, देखो इसको भी जिन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि सिलेक्शन पाना हमारा मकसद है और कुछ टाइम की बात है, फिर तो एंजॉय एंजॉय ही है, मज़े मज़े, फिर तो हम सिलेक्शन पाने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गए। तो ये देखो अब काफ़ी सारों ने इस वीडियो को नहीं देखा, तो अपनी ईमानदारी से खुद देख लो, अगर आपने मिस कर दिया इस वीडियो को, ये लिस्ट आपके सामने है, एक एक को चला के देख लो कि कौन सा हमने मिस कर रखा है।
ये देख लो, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाता काफ़ी बार, वीडियो तो हम रोजाना डाल रहे हैं, तो ये तरीका अपना कि आप सारे वीडियोज़ हमारे पा सकते हो अपने मोबाइल में। ये देखिए ठीक है, और कोई सारे वीडियोज़ आप देख सकते हो, जो भी आपने मिस किया हुआ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये प्रोसेस कीजिए जल्द से।